आज हम क्लास 2, 3, 4, 5, 6 के लिए साइंस चैप्टर से सोयल इट मींस मिट्टी इस चैप्टर को हम आगे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोयल है क्या। सोयल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सोयल। तो बोल रहा है सोयल इज लूज मटेरियल दैट लाइज ऑन टॉप ऑफ द लैंड। इट इज मिक्सचर ऑफ रॉक, मिनरल, वाटर एंड एयर। इट मीन सोयल क्या है, तो सोयल एक लूज मटेरियल है। लूज मतलब नरम, जो कहां पाया जाता है, तो हमारे अर्थ के सबसे ऊपरी सतह पर। ये हमारे अर्थ के ऊपरी सतह पर ये बना कैसे है, तो ये देखो ये कई कई पदार्थों का इसमें मिक्सर है, मिक्सिंग है। जैसे रॉक, मिनरल्स, वाटर, एयर, ये सभी मिक्सिंग होकर सोयल का निर्माण किए हैं। सोयल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का होते हैं। तो अभी सोयल को फोर टाइप, अभी सोयल का जो है फोर काइंड में बांटा गया है। फोर टाइप्स ऑफ सोयल होता है, जिस फर्स्ट में है सैंडी सोयल, सेकेंड में है सिल्ट सोयल, थर्ड में है क्ले सोयल, फोर्थ में है लोमी सोयल। सैंडी सोयल इट मीन्स बलू, हम इसको हिंदी में बलुआही मिट्टी कह सकते हैं। तो अब जानेंगे आगे कि सैंडी सोयल है क्या, व्हाट डू मीन बाय सैंडी सोयल। तो सैंडी सोयल इज द लाइट वार्म ड्राई एंड टेन टू बी एसिडिक एंड लोअर न्यूट्रिएंट्स, या इसको लोअर न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। बोल रहा है कि सैंडी सोयल जो होता है वो लाइट होता है। वार्म, लाइट मतलब जानते ही होंगे, वार्म होता है, वार्म मतलब ये जल्द ही गर्म हो जाती है। ड्राई होता है, सूखा होता है, और इसमें बोल रहा है कि इसमें लो न्यूट्रिशन होता है। लो न्यूट्रिशन, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है, जिसके कारण हम हर एक फसल, हर एक क्रॉप का प्रोडक्शन इस सोयल से नहीं कर सकते हैं। फिर एक बार सब समझेंगे कि सैंडी सोयल है क्या। तो सैंडी सोयल जो होता है वो लाइट होता है। वार्म, लाइट मतलब जानते होंगे प्रकाश, वार्म होता है, ड्राई ड्राई होता है, सूखा होता है, और इसमें जो होता है लो टेम्परेचर होता है। फिर बोल रहा है कि इस सोयल को एक और नाम से जानते हैं, सैंडी सोयल आर ऑफ्टन नोन एज लाइट सोयल, इसलिए इसको लाइट सोयल के भी नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे सिल्ट सोयल। मतलब सिल्ट सोयल इट मीन्स गाद मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सैंडी सोयल। यूजेज ऑफ सैंडी सोयल, सैंडी सोयल का क्या यूज है। इससे पहले आप सैंडी सोयल किसको कहते हैं ये जाने थे। अब है कि सैंडी सोयल का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम इसका यूज किस किस रूप में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बोल रहा है सैंडी सोयल यूज्ड फॉर प्लोइंग, प्लांटिंग एंड कल्टीवेटिंग। फिर एक बार समझिए सैंडी सोयल का यूज कहां कहां होता है। तो सैंडी सोयल यूज फॉर प्लोइंग, प्लांटिंग एंड कल्टीवेटिंग। इसका यूज हम, सैंडी सोयल का यूज हम कहां कहां करते हैं, तो प्लांटिंग के लिए प्लोइंग करने के लिए करते हैं। प्लोइंग मतलब बीज को बोने में। प्लांटिंग इस सोयल में बीज जो होता है अच्छे से होता है। प्लांट को प्लांटिंग करने में, या किसी क्रॉप्स को प्लांटिंग करने में, एंड कल्टीवेटिंग, कृषि में इसका उपयोग, कल्टीवेटिंग में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सिल्ट सोयल।
सिल्ट सोयल क्या है? जिसको हम हिंदी में गादिये मिट्टी बोलते हैं। तो बोल रहा है विच इज नॉन टू हैव, विच इज नॉन टू हैव मच स्मॉलर पार्टिकल्स कंपेयर टू द सैंडी सोयल। फिर बोल रहा है विच इज नॉन टू हैव मच स्मॉलर पार्टिकल्स कंपेयर टू द सैंडी सोयल एंड इट मेड अप ऑफ रॉक एंड अदर मिनरल पार्टिकल्स। सिल्ट सोयल क्या है जिसको हम लोग गादी मिट्टी बोलते हैं, और फिर समझेंगे विच इज नॉन टू हैव मच स्मॉलर पार्टिकल कंपेयर टू द सैंडी सोयल। किससे पूरा कि ये बहुत ही स्मॉल होता है, किसके? तो सैंडी सोयल के अपेक्षा ये बहुत, सैंडी सोयल के अपेक्षा ये बहुत ही स्मॉल होता है। और इस ये मेड किससे होता है, ये बनता किससे है? तो रॉक एंड अदर मिनरल पार्टिकल, रॉक से और मिनरल के पार्टिकल से बनता है। अब इसका यूज क्या है, सिल्ट सोयल का यूज क्या है, उससे पहले हम फिर सोल्ट से गादी मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं। तो फिर एक बार पुनः समझ लीजिए, ये जो होता है किससे छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, किससे? सैंडी सोयल की अपेक्षा ये स्मॉल होता है, छोटा होता है। और ये बनता कैसे है, तो ये सैंडी सोयल जो बना, ये जो सिल्ट सोयल जो बना है वो छोटे छोटे रॉक और अदर मिनरल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब है इसका यूज है क्या, यूजेज ऑफ सिल्ट सोयल, इसका यूज कहां कहां है? तो पूरा है कि इट इज यूजुअली मोर फर्टिलाइज दैन अदर टाइप्स ऑफ सोयल मीनिंग इट ग्रोइंग क्रॉप्स। बोला फिर बोला इट इज यूजुअली मोर फर्टिलाइज, इट मींस या अधिक फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज मतलब उपजाऊ, इनकी उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती है, उर्वरक उर्वरा शक्ति जिसको हम लोग हिंदी में उर्वरा शक्ति बोलेंगे, ये अधिक होती है, ये इसीलिए अधिक फर्टिलाइज होती है और इसीलिए इसमें क्रॉप्स जो होता है जिसको फसल बोलते हैं, क्रॉप जो होता है वो अच्छे से अच्छे पूर्वक ग्रो होता है, इसलिए इसको प्लांटिंग के लिए एक अच्छी सोयल माना जाता है। फिर से समझेंगे सिल्ट सोयल का यूज, तो बोला इट इज यूज यूजुअली मोर फर्टिलाइज देन अदर टाइप्स ऑफ सोयल। पूरा कि एक तरफ से इसको बोल सकते हैं कि दूसरे सोयल की अपेक्षा इस सोयल में अधिक ये मोर फर्टिलाइज होता है, अधिक फर्टिलाइज होता है, इसलिए इसमें अच्छे पूर्वक क्रॉप्स का ग्रोइंग होता है। नेक्स्ट है क्ले सोयल, क्ले सोयल में हिंदी में इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो व्हाट इज क्ले सोयल, क्ले सोयल है क्या, क्ले सोयल है क्या? तो क्ले सोयल, क्ले सोयल हैज वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स एंड क्ले सोयल इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली एंड देयरफोर कैन रिटेन वाटर। फिर हम देखेंगे कि क्ले सोयल है क्या, तो बोल रहा है क्ले सोयल हैज वेरी स्मॉल साइज, क्ले सोयल हैज वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, उस फिर बोल दीज पार्टिकल्स आर, दीज पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली, दीज पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली एंड देयरफोर कैन रिटेन वाटर। इट मींस हिंदी में इसका क्या हुआ कि क्ले सोयल जो है वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर पैक टाइटली, और आपस में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैक होते हैं, टाइट होके टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं एंड
therefore can retain water, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आप इसके जो पार्टिकल्स आपस में पैक होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, क्लोज होते हैं, जिसके कारण इसमें वाटर जो होता है वो इसमें वाटर बंधा हुआ रहता है, वाटर को ये बाहर जाने नहीं देती है। क्यों? फिर एक बार समझेंगे क्यों ये इसके पार्टिकल्स इस सोयल क्ले सोयल से वाटर बाहर नहीं जाती है, फ्लो नहीं होती है, तो क्या कारण है? तो इसके जो क्ले सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक होते हैं और टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे से काफी इसके जो पार्टिकल्स है कण है जो एक दूसरे से काफी जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये क्लोजली पूरा टाइटली से पैक होते हैं, और जिसके कारण पैक होने कारण इसमें कोई भी वैकेंट नहीं बचता, जिसके कारण वाटर बाहर फ्लो नहीं हो पाता है। अब हम आगे जानेंगे यूज ऑफ क्ले सोयल। क्ले सोयल का क्या यूज है, क्या हम यूज मतलब क्यों मिलाते हैं? तो क्ले सोयल यूज मेकिंग पोएट्री। जितने भी आप देखते होंगे सोयल के पोट को देखे होंगे, बर्तन को देखे होंगे, तो वो किस सोयल का बने होते हैं? तो क्ले सोयल का बने होते हैं। जितने भी स्टेचू देखे होंगे, मूर्तियां देखे होंगे, वो भी क्ले सोयल से ही बनते हैं, क्ले सोयल के द्वारा भी उसको बनाया जाता है। जितने भी छोटे छोटे पोट देखे होंगे, खिलौने टॉय देखे होंगे, वो भी क्ले सोयल से बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग पोएट्री टॉयज बनाने के लिए करते हैं। सेकेंड है इसका इट इज यूज बोथ डेकोरेटिव एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट सच एज ब्रिक्स वॉल एंड फ्लोर टाइल्स। फिर से एक बार जानेंगे सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज बोथ डेकोरेटिव एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट सच एज ब्रिक्स वॉल एंड फ्लोर टाइल्स। बोला कि इसके लिए सोयल का जो हम लोग यूज करते हैं वो डेकोरेटिव थिंग्स को बनाने में इसका यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप का डेकोरेटिव थिंग्स को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और तो कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी करते हैं। हम अपने हाउस को मेकिंग करते हैं, लेकिन उसमें जो ब्रिक्स उत्पन्न ब्रिक्स बना होता है ये क्ले सोयल के द्वारा ही बना होता है। इस क्ले सोयल को कोयल के द्वारा कोयले को बर्न के द्वारा हीट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वही ब्रिक्स बन जाता है, और उसी ब्रिक्स के द्वारा हमारा हाउस मेकिंग होता है। वॉल को बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। फ्लोर टाइल्स, नीचे का फ्लोर का टाइल्स जो होता है, जो टाइल्स बनते हैं, उसको भी हम लोग बनाने के लिए क्ले सोयल का उपयोग करते हैं। एक बार फिर जानेंगे कि क्ले सोयल शॉर्टकट में जानेंगे क्ले सोयल है क्या। तो क्ले सोयल जो है, क्ले सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इसके पार्टिकल्स स्मॉल होने के साथ एक दूसरे से काफी टाइट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं पैक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बीच में कोई भी स्पेस वैकेंट नहीं बचता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें वाटर कलेक्ट हो सकता है, इसमें वाटर रह सकता है, और वो वाटर को बाहर नहीं जाने देता। उसके बाद है क्ले सोयल का यूज। क्ले सोयल का यूज जो करते हैं हम लोग, अभी बताएं कि पोएट्री बनाने में डिफरेंट के साथ क्वाइज कुछ बर्तन
बर्तन बनाने के हमारे ओल्डेस्ट, अगर हम ओल्डेस्ट ईयर में जाएंगे आगे हम अगर हम ओल्डेस्ट अर्ली मैन के ईयर में जाएंगे तो अर्ली मैन शुरुआत जो पोट अपना बनाना शुरू किए थे, जो मेकिंग करना पोट जो मेकिंग करना शुरू किए थे इसी सोयल के माध्यम से ही किए थे हमार। और अर्ली मैन जो थे कई पोट का प्रोडक्ट किए किसके थ्रू कले सोयल के द्वारा किस बहुत सारे पोर्ट का निर्माण किए। धीरे धीरे अभी जो हम पोर्ट का उत्पन्न कर पोर्ट का जो उपयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे अभी तो हम लोग जो पोर्ट का उपयोग कर रहे हैं वो तो स्टील का, तांबा का, पीतल का होता है, लेकिन पूरा अर्ली ईयर में हम लोग अगर लौटेंगे जिस समय मेटल्स और नॉन मेटल्स का खोज नहीं हुआ था उस समय कले के द्वारा ही पोर्ट का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है कले सोयल का उपयोग विभिन्न हम अपने घर में डेकोरेटिव थिंग्स को बनाने के लिए, स्टेचू को बनाने के लिए और हमारे घर हमारे जो हाउस बनते हैं हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो थिंग्स यूज किए जाते हैं जैसे ब्रिक्स, वॉल, फ्लोर, उसको भी बनाने टाइल्स, इसको भी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोमी सोयल। लोमी सोयल इट मींस इसको हिंदी में हम लोग डूमट मिट्टी बोलते हैं। लोमी सोयल है क्या तो बोला ये क्लासिफिकेशन गिवन टू सोयल डाइट कंटेंट्स बैलेंस अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। फिर से हम समझेंगे कि लोमी सोयल है क्या। बोला एक क्लासिफिकेशन गिवन टू सोयल डाइट कंटेंट्स बैलेंस अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट मींस क्या है, ये ऐसे सोयल है जिसमें जो बैलेंस अमाउंट, बैलेंस मतलब समांतर, बैलेंस अमाउंट में सैंड को भी रखता है, सिल्ट भी रहता है, क्ले भी रहता है, मतलब मिक्सर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले सोयल डाइट कॉल लोमी सोयल। फिर हम समझेंगे एक बार, बोला लोमी सोयल क्या है। लोमी सोयल मिक्सर ऑफ बैलेंस इन सैंड, सिल्ट और क्ले, दोनों सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों बैलेंस अमाउंट में मिक्सिंग होते हैं ये लोमी सोयल में। तो आए लोमी सोयल का यूज क्या है, यूजेज ऑफ लोमी सोयल देखेंगे। आप इससे पहले लोमी सोयल के बारे में फिर जान के लोमी सोयल है क्या या कहते किसको है तो फिर से एक बार देख लीजिए। ए क्लासिफिकेशन गिवन टू सोयल दैट कंटेंस बैलेंस अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिसमें बैलेंस अमाउंट में तीनों सोयल का मिक्सिंग रहता है। तीनों कौन सैल्ट सोयल, सिल्ट सोयल और क्ले सोयल का मिक्सिंग होता है उस सोयल को हम लोग लोमी सोयल कहते हैं। अब देखेंगे यूजेज ऑफ लोमी सोयल, इसका क्या यूज है हमारे अपने लाइफ में, क्या इसका इंपॉर्टेंट है, क्या इसका यूज है। तो लोम सोयल जनरली कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर एंड ह्यूमस। अधिक से अधिक हमारे लिए क्या है कि इसमें लोमी सोयल में जो रहता है मोर न्यूट्रिएंट्स रहता है, मोर न्यूट्रिएंट्स रहता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमस बोलता है, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं पोषक तत्व को, मॉइस्चर नमी को, ह्यूमस ये तीन है न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर एंड ह्यूमस।
ये थ्री करेक्टर जो होता है, थ्री टाइप, थ्री गुण जो है वो लोमी सोयल में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये मोर फर्टिलाइज होता है, अधिक फर्टिलाइज मतलब अधिक उपजाऊ होता है। फिर है लोम सोयल हैव बेटर ड्रेनेज एंड इरिगेशन फॉर इंफ्लिगेशन फॉर वाटर एंड एयर। इसे लोमी सोयल में बहुत अधिक मात्रा में वाटर को कीप कर सकता है, एयर को रख सकता है, होता है। आपका दिखाई नहीं आता, खाली बोर्ड वाला दिखता है। फिर हम सोयल पुनः एक बार सोयल के बारे में जानते हैं शॉर्टकट में। तो हम सोयल में देखते थे कई मिक्सर ऑफ रॉक मिनरल और वाटर एयर। सोयल में क्या क्या मिक्सिंग होता था? तो रॉक मिक्सिंग होता था, मिनरल मिक्सिंग होता था, वाटर मिक्सिंग होता था, एयर मिक्सिंग होता था। ये सभी जितने भी ये सभी थिंग्स हैं, ये मिक्सिंग होकर सोयल का प्रोडक्ट करते थे, सोयल का निर्माण करते थे। फिर हम सोयल को फोर टाइप्स में बांटे थे। पहला का नाम था सैंडी सोयल, जिसको हिंदी में हम बलुआही मिट्टी कह सकते हैं। ये जो सैंडी सोयल होता है ये फर्टिलाइज नहीं होता ज्यादा, ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इसमें सैंड की मात्रा अधिक होती है, स्मॉल ऑफ स्मॉल सैंड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये सोयल अधिक फर्टिलाइज नहीं होती है। सेकेंड था सिल्ट सोयल, जिसको हम गादीय मिट्टी, गाद मिट्टी बोलते थे। तो ये क्या था एक्चुअली, ये गाद मिट्टी क्या आप देखते होंगे, कल छठिए मिट्टी भी इसको कह सकते हैं। आप देखते होंगे कल, आप अपने आसपास तालाबों में देखते होंगे, पॉन्ड में देखते होंगे, रिवर में देखते होंगे, जब वाटर का पोल्यूशन होता है तो देखिए, जो एयर जो फास्टली आता है, हवा का तेज और का आता है, तो वाटर जो है रन करने लगती है, और वो दो भागों में वाटर जो है इधर से उधर होकर तलछटी में आ जाती है, तलछटी में। तो वाटर के जो ऊपरी पार्टिकल्स जो है वो उसके तलहट में किनारे में जमा हो जाते हैं, वही तलहट मिट्टी का धीरे धीरे सोयल में रूपांतरित होने लगता है। तो इसी सोयल को हम लोग सिल्ट सोयल बोलते हैं। नेक्स्ट था क्ले सोयल, जिसको हिंदी में हम लोग चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, जिसके पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसके कारण और इसके पार्टिकल्स आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बीच में कोई वैकेंट नहीं बचता है, जिसके कारण हम इसमें वाटर को कलेक्ट करके रख सकते हैं, वाटर को इस पास से उस पार होने नहीं देता। नेक्स्ट है लोमी सोयल, डूमट मिट्टी। नेक्स्ट है लोमी सोयल डूमट मिट्टी, जिसमें बैलेंस अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस अमाउंट में सैंड सोयल भी मिला होता है, सिल्ट सोयल भी मिला होता है, क्ले सोयल भी होता है। मिक्सिंग, इट मीन्स मिक्सिंग ऑफ सैंड सोयल, सिल्ट सोयल, क्ले सोयल, दैट कॉल लोमी सोयल। लोमी सोयल में क्या क्या मिक्सिंग होता है? सैंड सोयल भी मिक्सिंग होता है, सिल्ट सोयल भी मिक्सिंग होता है, क्ले सोयल भी मिक्सिंग होता है। आशा करते कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और कुछ बताएंगे। और एक और बात आप लोग से कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, हम भी यहां से सब पता चलता है कितना मिनट आपने वीडियो देखा। और आप बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि वीडियो नहीं आ रहे हैं। वीडियो हमेशा यहां से भी डाले जा रहे हैं, वीडियो सभी सब्जेक्ट का,
आप आपके मोबाइल में यूट्यूब पर जब देख रहे होते हैं तो उसमें आप हमारा जो स्कूल का चैनल है आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल का, उस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिसके कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कारण है कि आप नोटिफिकेशन बटन को नहीं दबाए, जिसके कारण आपको कोई भी नया वीडियो आता है तो पता नहीं चलता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, अपने आप आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और एक और आग्रह है कि आपके अगल बगल दूसरे स्कूल में अगर ऑनलाइन क्लास नहीं शुरू हुआ है तो ये ऑनलाइन क्लास, ये जो हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके तक ये क्लास जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी आप अगल बगल वाले को भी आप अगर चाहेंगे तो सुना सकते हैं, उसके मोबाइल में भी आप जाके चैनल को आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल चैनल को यूट्यूब में जाकर आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल चैनल को आप खोलें और उसमें भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपने और आसपास वाले को मदद मिले, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में सबका सहयोग आवश्यक है, सबको पढ़ना आवश्यक है। तो आप उसको इस माध्यम से जरूर सहयोग करें। थैंक्स।